हाय दोस्तों, E4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जब आप कॉल कर रहे हैं और आपका कॉल नहीं लग रहा है, कट जा रहा है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि उसे कैसे आप सही कर सकते हैं, कैसे हमें ठीक करना है। इस वीडियो में हम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की नोटिफिकेशन के लिए और बेल का बटन ज़रूर दबाइए। तो हम अपना डायरी पैड ओपन कर चुके हैं दोस्तों। अब आपको जो भी नंबर पर कॉल करना है उसे हम आपको दिखाते हैं। हमारा कॉल कुछ इस तरह इंटरफेस दिख रहा है और यहाँ पे हम कॉल आइकन पे कॉल कर रहे हैं तो हमारा क्या इन्फॉर्मेशन आ रहा है, यहाँ पे आएगा कॉल एंड, उसके बाद हमारा कॉल बंद हो जा रहा है और कॉल हो नहीं रहा है। तो आज की वीडियो में ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, इस वीडियो में आप सीखेंगे। तो उसके लिए आपको बैक आना है अपने डायरेक्ट पैड से। अब आपको ध्यान से देखना है, अपने नोटिफिकेशन को आप नीचे कीजिए। तो चलिए हम अपने नोटिफिकेशन को नीचे करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है एयरप्लेन मोड का, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये आपके फ़ोन में ऑन रहता है। जब ऑन रहेगा तो ना फ़ोन आएगा और ना फ़ोन जाएगा। तो ये से आपको सही कर लेना है। ओके, तो चलिए हम इसे अपने मोबाइल में बंद कर लेते हैं एयरप्लेन मोड का। तो यहाँ पे एयरप्लेन मोड है, इसे आपको बंद करना है। उसके बाद ये पहला हो गया और दूसरा मैं आपको बताऊंगा वो सेटिंग से रहेगा। चलिए हम सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। आप भी अपना सेटिंग ओपन कीजिए। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। अब आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, आपको फ़ोन में ढूंढना है। यहाँ पे ढूंढना है सिम कार्ड। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा सिम कार्ड या फिर मोबाइल नेटवर्क। तो यहाँ पे आपको नेटवर्क भी मिल जाएगा, तो यहीं पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा मोबाइल डेटा, जो यहाँ पे अभी ऑन है मेरे फ़ोन में। और यहाँ पे वोल्ट इनेबल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वोल्ट इनेबल जो लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। तो चलिए ये आपके फ़ोन में जो बंद रहता है इसे आपको इनेबल करना है। अगर आप इसे इनेबल नहीं करते तो आपके फ़ोन में ना कॉल आएगा और ना कॉल जाएगा। तो इसे आपको ज़रूरी है इनेबल करना। तो यहाँ पे वोल्ट लिखा हुआ इनेबल, इसे हमें कर देना है। जैसे आप इसे ऑन करेंगे, हम बैक आते हैं और कॉल लगाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो अब हम कॉल जब लगा रहे हैं तो ये देखिए हमारा कॉल लग रहा है। तो दोस्तों, इससे आप सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।